फोकस टेस्ट, फोकस टेस्ट, परफेक्ट। यार जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ ना व्लॉगिंग के लिए, वो है सोनी का A6400, और इसमें एक दो प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि इसकी स्क्रीन जो है वो स्विवल है, मतलब स्क्रीन पीछे से उठ के ऊपर आ जाती है, लेकिन इसमें जब ऊपर माइक अटैच होता है कैमरे के, तो फिर समझ नहीं आ रहा होता कि आधा हिस्सा कट रहा है या जिस्म ही आधा कट रहा है, और बैकग्राउंड ठीक आ रहा है कि नहीं। तो इसका जो मैंने सोल्यूशन क्रिएट किया है, बल्कि मैंने सोल्यूशन क्रिएट नहीं किया, इसका जो सोनी ने सोल्यूशन दिया है वो इसकी एक दी है मोबाइल एप्लीकेशन इमेज एज के नाम से गालबन। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है। बेसिकली ये करता क्या है कि आपके कैमरे की स्क्रीन को मिरर कर देता है मोबाइल पे। और दूसरा जो इसका मेन प्रॉब्लम है वो ये इसका झुनझुना है। ये तकरीबन सोनी के हर कैमरे में इसका मसला आता है। तो चलें इसके झुनझुने को बंद करके मेन टॉपिक पे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ दिन पहले मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था कि इस व्लॉगिंग डेड, तो उसमें क्या डिस्कशन हुई वो डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले ना सामान बहुत बिखरा पड़ा है यार, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। सामान बिखरा पड़ा है यार, इसकी भी थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है बाद में। लोग डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब उनको कुछ देर बाद रिस्पांस नहीं मिलता तो वो क्विट कर जाते हैं। और पाकिस्तान में जब भी कोई डेली व्लॉग के बारे में बात करता है या डिस्कस करता है, तो उसको दो नाम सुनने को मिलते हैं, फर्स्ट इरफान जुनेजो और सेकंड जो है वो डकी भाई। अब ये दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ये दो का बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डेली लाइफ व्लॉग्स बनाने में कोई प्रॉब्लम या कोई ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन एक बात आप जहन में बिठा लें कि अभी आप लोगों को कोई जानता नहीं है, और आपकी जो बोरिंग या कोई इस तरह की लाइफ है वो क्यों कर देखेगा। अनलेस कि आप कोई टिकटॉक स्टार हैं या इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी हैं, तो फिर तो लोग आपकी जो बिहाइंड द कैमरा लाइफ है वो देखना पसंद करेंगे। और पाकिस्तान में जो लोग डेली व्लॉग स्टार्ट करते हैं वो बहुत जल्द क्विट कर जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा होता, उनका काफ़ी ज़्यादा जो टाइम वेस्ट हो रहा होता है वीडियो की शूटिंग में और फिर उसकी एडिटिंग में। तो जब उनको रिस्पांस नहीं मिलता तो वो सिंपल उसको क्विट कर देते हैं। तो इसके लिए मेरे पास 2 से 3 सॉल्यूशंस हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर 1, डू द व्लॉग्स इन वीडियो फॉर्मेट। ये मुर्गा बहुत तंग कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है यार कि आप जो अपने व्लॉग्स हैं वो एक वीडियो फॉर्मेट में करें। मतलब आप लोगों ने केसी नेस्टेड या इरफान जुनेजो के व्लॉग्स देखे होंगे और इनको फॉलो भी करते होंगे, तो जब ये व्लॉग्स क्रिएट करते हैं तो इनके जो व्लॉग्स हैं वो बड़ी स्क्रीन पे देखने का मज़ा आता है, आपको सिनेमैटिक लुक और फील मिलती है देखने के लिए। तो जब किसी ने इनसे पूछा इनके डेली लाइफ व्लॉग्स के बारे में, तो इनका सिंपल यही कहना था कि यार ये व्लॉग्स करते हैं, मतलब इसमें एक स्टोरी होती है, स्टार्ट मिड एंड एंड, तो वो एक स्टोरी कम्प्लीट करते हैं डेली, तो वो आपको देखने का मज़ा भी आता है, उसमें सिनेमैटिक लुक भी मिलेगी, फील भी मिलेगी। तो आप भी जो व्लॉग्स करें वो एक वीडियो स्टाइल फॉर्मेट में करें या व्लॉग स्टाइल फॉर्मेट में करें, तो आई थिंक दैट विल वर्क। मैं भी सीख रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन करें और सीखें। पॉइंट नंबर 2, सबसेक्शन 2, कि ऑलवेज थिंक ऑफ द थंबनेल एंड टाइटल फर्स्ट। अब इसका क्या मतलब है कि मतलब यार आप बैडमिंटन पसंद करते हो, आप फुटबॉल पसंद करते हो, आप सोशल मीडिया पसंद करते हो, और आप इन द ब्लॉग फॉर्मेट में ऑलरेडी बना रहे हो,
तो आप अपने जहन में सबसे पहले ये सोचें कि आपने उसका टाइटल क्या रखना है, और दूसरे नंबर पे आपने उसका जो थंबनेल है वो क्या क्रिएट करना है, और उसके बाद आप अपना डेली लाइफ व्लॉग जो है वो स्टार्ट करें, और उसमें आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर करें उस टाइटल के बारे में जो आपने सोचा है, या वो थंबनेल जो आपने क्रिएट किया है कि लोग उसको देख के क्लिक करके आपकी वीडियो तक पहुँचें। तो दैट विल बी अ ग्रेट सक्सेस अगर आप भी मेरी तरह जो है वो एक बिगिनर यूट्यूबर हैं। पॉइंट नंबर 3, सबसेक्शन 3, वन वीडियो दैट आंसर्स वन क्वेश्चन। अब इसका सादा सा मतलब ये है कि एक वीडियो जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो दिया गया हो। यहाँ पर मैं दो चैनल कोट करूँगा, फर्स्ट इरफान जुनेजो और सेकंड जैक कॉन्टी। आप इन दोनों के चैनल्स पे चले जाएंगे तो आपको हो सकता है कि आपको डेली लाइफ ब्लॉग्स के बारे में इनके थंबनेल्स या टाइटल्स में जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका जवाब इनकी एक वीडियो में मौजूद हो। इरफान जुनेजो को आप जानते हैं जो कि डेली लाइफ ब्लॉगर हैं, और जैक कॉन्टी जो हैं वो पेट्रियन के CEO हैं जो कि डेली लाइफ ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं इरफान जुनेजो और केसी नेस्टेड की तरह। और इनके चैनल पे भी आपको थंबनेल्स या टाइटल्स में जो क्वेश्चंस हैं ये डेली लाइफ ब्लॉग्स के साथ उन क्वेश्चन का आंसर जो है वो अपनी वीडियो में क्रिएट कर देते हैं। मतलब आप डेली लाइफ ब्लॉग्स में कैमरा इक्विपमेंट कौन सी यूज़ करें, या लाइटिंग कौन सी यूज़ करें, या कैसे यूज़ करें, और बैकग्राउंड में आपने कैसे क्रिएट करना है, तो आप जस्ट सिंपली विजिट देयर चैनल्स और आपको हो सकता है कि इनकी एक वीडियो में एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल जाए। चलो आज सुबह सुबह बारिश हुई है, मौसम बड़ा जबरदस्त हुआ पड़ा। हमने बारिश नहीं देखी। तूने बारिश देखी है? हाँ। किधर देखी है? मैंने अपने स्कूल में देखी है। आज मौसम कितना प्यारा है। पहले धूप थी ना, अभी तो नहीं है।